नमस्कार दोस्तों, किरण माहेश्वरी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको केक का प्रीमिक्स और उसी प्रीमिक्स से केक बनाना बताऊंगी, उसी के साथ आइसिंग करना भी बताऊंगी। केक प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। एक कप मैदा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, एक चम्मच मिल्क पाउडर, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, चुटकी भर नींबू का सत, दो चम्मच कोको पाउडर, 3/4 कप शुगर। प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप मिक्सी का जार लें, उसमें मैदा डाल दें, पाउडर शुगर डाल दें, मिल्क पाउडर डाल दें, कॉर्नफ्लोर डाल दें, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नींबू का सत, कोको पाउडर, सारी चीजों को आप चर्न कर लें। पल्स पे रोक रोक के इसे 2 मिनट के लिए चर्न कर लें। मैंने सारी सामग्री को चर्न कर लिया, आप इसे पल्स पर रोक रोक कर चर्न करें। देखिए फ्रेंड्स, इसी से मैं आज आपको केक बना के बताऊंगी। मैं आज केक आपको कढ़ाई में बना के बताऊंगी। आप कोई भी कढ़ाई ले लें, उसे गैस पे रखें। इसमें एक कटोरी नमक डाल दें, ये मैंने पहले यूज में लिया हुआ नमक है, इसे आप अच्छे से फैला दें। और इसमें एक स्टैंड रख दें और इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट होने दें। जब तक कढ़ाई प्रीहीट होती है, आप कोई भी एक भगोना ले लें, उसमें ये प्रीमिक्स डाल दें रेडी किया हुआ। फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, कंडेंस मिल्क है, या आप कुछ भी ना डालें, इसमें दही वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आप इसमें सीधा पानी डालें, एक साथ ज्यादा पानी ना डालें और इसे मिक्स करते जाएं और एक मीडियम बैटर बनाकर रेडी करें। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसमें चॉकलेट एसेंस डाल दें, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर दें। 2 से 3 बूंदे डाल दें। दो चम्मच तेल डाल दें और फिर से इसे बीट करें 1 से 2 मिनट के लिए। मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ हो चुका बेटर। जब अपन ऊपर से इसको गिराए तो रिबन की तरह गिरना चाहिए। बैटर बनकर रेडी हो चुका है। आप कोई भी केक टिन ले लें, उसमें बटर पेपर लगा लें और ये रेडी किया हुआ बैटर इसमें डाल दें। पूरा बैटर आप इसमें डाल दें। आप इसे हल्का सा टैप कर दें, इसमें कोई भी एयर बबल हो तो निकल जाए। कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है। अब ढक्कन को ध्यान से उतारें, बहुत ही गर्म रहता है। केक टिन को आप इस पे रख दें और फिर से इसे ढक दें और 35 मिनट तक इसे होने दें। केक को बनते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, केक बन चुका है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। आप टूथपिक ले लें, उसे बीच में डालें। देखिए बिल्कुल क्लीन आ रही है, इसका मतलब केक बन चुका है। आप गैस को बंद कर दें और इसे बाहर निकाल लें। मैंने केक को बाहर निकाल लिया, इसको आप पूरा ठंडा होने दें, फिर मैं आपको आइसिंग करके बताऊंगी। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, मैं आपको इसको डीमोल्ड करके बताती हूँ। कोई भी आप एक प्लेट ले लें, उसमें केक का टिन पलट दें और हल्का सा टैप कर दें। देखिए फ्रेंड्स, आसानी से निकल आता है। आप इसका बटर पेपर निकाल दें। अब मैं आपको इसकी आइसिंग करके बताऊंगी। आप कोई भी एक केक वाली प्लेट ले लें, केक को इस पे रख दें। मैं इसे कट करना बता रही हूं आपको। मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी, आप 2 में भी कर सकते हैं। आप एक नाइफ लें
देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप दूसरा पार्ट भी कट कर लें। मैं इसे तीन लेयर में बना रही हूँ, आप डबल लेयर में भी बना सकते हैं। आज मैं आपको घर के सामान से ही क्रीम बनाना बताऊंगी। आप एक कप मलाई ले लें, एक कप ही दूध लें और आधा कप आइसिंग शुगर ले लें और सबको अच्छे से मिक्स करके चिल्ड होने के लिए रख दें। मैंने इसको बिल्कुल चिल्ड कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, एक बार आप चम्मच से फेंट लें और फिर चिल्ड कर दें। अब मैं आपको इसको बीट करके बताती हूँ। आप इलेक्ट्रिक बीटर लें और इससे अच्छे से फेंट लें क्रीम को। मैंने क्रीम को फेंट कर रेडी कर लिया है। सबसे पहले आप एक कटोरी पानी ले लें, उसमें दो चम्मच चीनी को घोल दें। चीनी जब घुल जाए तो आप एक केक का एक पार्ट रखें और उसके चारों तरफ आप शुगर सिरप को डाल दें। शुगर सिरप आप ज्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ डाल दें, ये पूरा गीला हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप क्रीम लें और बीच में डालें और इसे नाइफ से अच्छे से फैला दें। इसे आप रफली फैला दें। मैं इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रही हूँ हल्का सा, आप इसकी जगह चेरी यूज में ले सकते हैं। इसे भी हल्का सा फैला दें। जब आप इसे अच्छे से फैला दें तो इस पे दूसरा पार्ट रख दें और इसे हल्का सा प्रेस कर दें। इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगा दें। जब आप दूसरे पार्ट पे भी शुगर सिरप अच्छे से पिला दें तो इस पे भी आप क्रीम लगा दें और इसे भी अच्छे से फैला दें। इस पर भी हल्का सा क्रश डाल दें। और थर्ड पार्ट को इस पे रख दें और इसे हल्का सा प्रेस कर दें और इस पे भी शुगर सिरप पिला दें। जब इस पे भी शुगर सिरप लग जाए तो इस पर भी आप क्रीम लगा दें और इसे भी फैला दें। ऊपर जब क्रीम लग जाए तो आप साइडों में भी क्रीम लगा दें। मैंने केक के चारों तरफ क्रीम लगा दी है। अब मैं आपको इसको फ्लैट करके बताऊंगी। इसके लिए आपको ऐसा कोई भी मिल जाएगा, फ्लैटर मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप एक्सरे ले लें और उसको साफ वॉश कर लें और कट कर दें छोटे टुकड़ों में। इसी से मैं आपको आज फ्लैट करके बताऊंगी। आप एक्सरे उठाएं, हल्का सा इसे मोड़ लें। एक्स्ट्रा क्रीम को आप निकाल लें। टॉप पे भी आप इसी तरह फ्लैट कर दें इसे। मैंने इसे पूरा फ्लैट कर दिया है। आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दें। केक को भी फ्रीज में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। आप चॉकलेट गनास ले लें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें और एक फोक ले लें, इस पर डालते जाएं ऐसे। पूरे केक पे ऐसे डिजाइन बना दें आप। मैंने सारे पे चॉकलेट गनास लगा दिया है फोक से। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल डिजाइन मैंने आपको बताई है। अभी इस पे और डिजाइन मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एक कटोरी ले लें, उसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दें। जो भी कलर आप मिक्स करना चाहें वो कर लें। मैं रेड कलर डाल रही हूँ, हल्का सा ही डालें, ज्यादा ना डालें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप एक कोन ले लें और इसे गिलास में रख लें। मिक्स किया हुआ क्रीम इसमें डाल दें आप।
पूरा क्रीम कोन में भर ले। मैंने क्रीम को कोन में भर लिया। मैं आपको एक डिजाइन करके बताती हूँ। आप केक को ले लें पहले, उसके चारों तरफ आप पट्टी बना लें। इसी प्रकार इसके एकदम जॉइंट करके दूसरी पट्टी भी बना दें। मैंने इसके चारों तरफ पट्टी बना दी है। अब मैं आपको फ्लावर बना के बताऊंगी। अब मैं आपको फ्लावर बनाना बता रही हूँ। आप कोई भी एक फ्लावर नेल ले लें या कोई फ्लैट चीज ले लें। उस पर पहले जिगजॉग बना दें इसे। जितना बड़ा आप फ्लावर बनाना चाहते हैं उसे आप इतने ही गोले बनाते जाएं। अगर आप इसे डार्क कलर करना चाहते हैं तो स्प्रे कलर से कर दें। मैं इसे केक पे रख के दिखा रही हूं आपको। इसी प्रकार आप और फ्लावर बना लें। मैंने फ्लावर बनाकर रेडी कर लिए। केक रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आप केक का प्रीमिक्स बनाकर 2 साल के लिए उसे रख सकते हैं। आप एयरटाइट डब्बे में भर के उसे रख दें। आप भी बनाएं और आपका केक कैसा बना मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।